खोपड़ी के पास लगाना चाहिए था भाई, 1920 का वेगनार, फिर 1920 का एक्सप्रेसो। गलत हो गया, ये पहले से, ये 2021 की गाड़ी है, ये 21 की गाड़ी है क्या? ये भी 20,000 चली हुई है, ये भी 20,000, 20,000 ओनली, मतलब 5,000 भी क्रॉस नहीं किए, 5,000 भी क्रॉस नहीं किए, 19 की है, ये भी 19 की गाड़ी है, ये सजी हुई गाड़ी है, ये 2020 की गाड़ी है, ये 20 की गाड़ी है, क्या बात है, 7,000 चली हुई है, ओनली 7,000, आप शोरूम जाओगे 22,000 चली हुई है, 22,000 चली हुई है। वेलकम गाइस, कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले पूरी 19, 20, 18, 17 सारी, ये 16 की है, तो सारी कलेक्शन जो दिखाने वाले हैं, टॉप मॉडल रिसेंट कार सब दिखाने वाले, जो कि भाई हमारे खोज रहे हैं आजकल के डिमांड के ऊपर। आज मैं गाड़ी लेकर आया हूं और आज फिर से मैं एक बार आ गया हूं डील एंड ड्राइव में, जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा प्यार मिला था उसमें और अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो इसलिए मैं आज फिर से एक बार आ गया हूँ डील एंड ड्राइव में। और मेरे साथ है शैलेश भैया, नमस्कार शैलेश भैया। नमस्कार, कैसे हैं राजीव भाई? अरे हम बढ़िया, आप कैसे हैं बताइए? बस हम भी बढ़िया ही है। तो आज भी क्या मतलब, पिछला वीडियो तो आपने एकदम धमाका दिया था, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन लाया था जी, आज भी लाए हैं क्या? वो तो दिख रहा है लो सेगमेंट से हाई सेगमेंट तक सभी गाड़ियां हैं। अच्छा। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि थोड़ा लो रेंज की गाड़ी दिखाइए, तो इस बार थोड़ा टॉप में ही लो, हाँ जी, थोड़ा अच्छा। कम बजट की गाड़ी लेके आया हूँ, तो लो रेंज से हाई रेंज सभी सेगमेंट की गाड़ियां हैं। सेगमेंट गाड़ी है। अच्छा, तो क्या क्या गाड़ी आज दिखाओगे? चलिए वन बाई वन हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, आप बताओगे एक करके दिखाओगे? जब दिखाना ही है तो सब स्टार्ट करते हैं। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हाँ। और व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूँ, हाँ, वो तकरीबन फिक्स्ड है। अच्छा, तकरीबन। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज बार्गेनिंग नहीं करें। हाँ, हाँ। मैं एकदम रेट को पूरा मिनिमाइज करके बोल रहा हूँ। राइट राइट। और यहाँ पे तो बंद पड़ेगा तो आपके जो भी चाहिदा है राजीव भाई के, उसके लिए ऑन टेबल कुछ मतलब जो आप, तो थोड़ा सा ये श्याम नगर है ना, ये श्याम नगर में कोई आएगा कैसे आएगा? श्याम नगर आएगा। श्याम नगर आने के लिए देखिए, सियालदह से आपको ट्रेन से आना पड़ेगा। हाँ। मेरे ये है, वो जाके आपको पिकअप कर लेंगे, वहाँ से कोई इशू नहीं है, स्टेशन से हम लोग पिकअप कर सकते हैं। तो इधर है इसलिए प्राइस थोड़ा कम रहेगा ना जी? प्राइस तो यहाँ सभी जगहों से कम रहेगा, कम रहेगा। आप तो देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो देख रहे हैं आजकल, पता चलेगा कि हाँ हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनका प्राइस अदर लोगों से कम है या ज़्यादा है, वो लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो चलिए फिर देखते हैं और एक एक कलेक्शन को देखते हैं। तो चलिए फैलेस भैया, पहली कार कौन सी होगी? ये वैगनार है। इसी की वैगनार है ये। हाँ। 2019 की गाड़ी है ये। 19 की है ये। अच्छा, ये 22,000 चली हुई है गाड़ी। क्या बात है, 22,000। ये टॉप वेरिएंट है, ZXi है ये। अच्छा, टॉप मॉडल है ये। बैरकपुर नंबर है, आपको दिख रहा है बिल्कुल। और इस गाड़ी में भी टच स्क्रीन से लेके सब कुछ दिया हुआ है। अरे वाह, ये टॉप मॉडल है जी। स्टेपनी अनयूज्ड है इसका। स्टेपनी अनयूज्ड, तो 22,000। इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 4,90,000। 490 जी, 4,90,000 जी, 4,90,000 में 2019 की गाड़ी 22,000 चली हुई है। स्टेपनी अनयूज्ड अनयूज्ड है, ZXi वर्सन है। शोरूम में अगर कोई लेने जाता है तो क्या प्राइस होगी? शोरूम में इसका कॉस्ट है 7,20,000। 7,20,000, क्या बात है। 7,20,000 से, बट आप यहाँ पे दे रहे हो 4,90,000 में, मतलब आप शोरूम जाओगे 22,000 चली हुई है। 22,000 चली हुई है, न्यू कंडीशन में एकदम जी। शोरूम में जाने के बाद से फिर से आपको एसेसरीज सब कुछ लगाना पड़ता है। कवर, तो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, तो सब कुछ लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ है। तो मिला के आपको 7,50,000 तक हो जाए। 7,50,000 तक हो जाए, तो मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट। हाँ, 2,00,000 का डिस्काउंट, 2,00,000 का तकरीबन डिस्काउंट हो जा रहा है। राइट। अब इसके बाद ये टॉप, ये भी, ये कब की है? ये वैगनार सेम कलर में है, सेम है एकदम, और सेम हाइट है, सेम न्यू शेप वाली है, न्यू शेप वर्जन है। हाँ। ये भी पूरी सजी हुई गाड़ी है, ये 2020 की गाड़ी है। ये 20 की गाड़ी है, क्या बात है। 7,000 चली हुई है, ओनली 7,000 चली, मतलब भाई ये 19 की थी, ये 20 की है और आगे 21 की है जी।
19 की गाड़ी है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में ये गाड़ी 7000 चली है, स्टेपनी अनयूज्ड है, ये वर्जन है। अच्छा, और इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 5 लाख रुपये। 5 लाख जी भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें जी, 490 ये 5 लाख 5 लाख रुपये। तो भाई ये 19 की है, ये 20 की है, 7000 चली है, VXI वर्जन है, VXI वर्जन है। और इसमें देखो ये एक्स्ट्रा फिटिंग ग्रिल वैगनार स्पोर्ट लगा के रखा है कस्टमर ने। बिल्कुल, ये चीज़ का बेनिफिट होता है जब आप दो लेटेस्ट कलेक्शन कोई डीलर से लेते हो, तो भाई एक्सेसरीज वगैरह का जो खर्चा है, कॉस्ट है, शोरूम से कम हो। शोरूम में आप जाएंगे तो आपको गाड़ी दे देगा, प्लेन भी दे देंगे, बाकी आपको एक्सेसरीज जैसे ये सब लगा हुआ है, ग्रिल सीट कवर, इसके लिए तो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े, आप तकरीबन 20-25 हज़ार का खर्चा हो जाता है। राइट राइट, इसको ये कस्टमर को करने की जरूरत नहीं, तो सब कुछ फिटिंग किया हुआ, क्या बात, तो आएंगे और लेके जाएंगे। तो 499 में ये आपको 20 की वैगन आर VXI। अब भाई आगे देखो, और नारंगी क्या बात, मारुति की एक्सप्रेसो गाड़ी है, एक्सप्रेसो ये 2019 की गाड़ी है, ये भी 19 की है, ये भी 19 की गाड़ी है। अच्छा। ये भी VXI है, ये भी VXI है, ये पेट्रोल में इसका माइलेज 20 से 22 मिलता है इसका। अच्छा, और ये भी स्टेपनी अनयूज्ड, स्टेपनी अनयूज्ड है ये भी, क्या बात, स्टेपनी अनयूज्ड। और ये चली हुई आपकी 3800 चली हुई गाड़ी है ये। अरे वाह, और इसमें भी सब कुछ कस्टमर ने सीट कवर से लेके टच स्क्रीन पूरी लगवाया, एकदम सेम कलर की पीछे, बहुत सुंदर है, कलर तो बहुत प्यारा है, काफी प्यारा है भाई, देख के अट्रैक्शन। इसका आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 3,80,000 रुपया। 3,80,000 में जी, 3,80,000 में 19 की गाड़ी 3,800 चली हुई VXI पर, क्या बात है, 3,80,000 में भाई, एक मतलब ऑल्टो भी हम कह सकते हैं, उस अल्टो से ही अपग्रेडेड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ी हाइट है, गाड़ी में स्पेस भी है, अल्टो थोड़ा लो मतलब उसका हाइट थोड़ा कम है, काफी बड़ा किया हुआ। 19 की गाड़ी जी। अब इसके बाद आते हैं 2016 की गाड़ी के पास, 2016 की गाड़ी है। अच्छा। ये रिनॉल्ट की क्विड है, ये क्विड है जी। अच्छा, ये 16 की गाड़ी है। हाँ। ये भी 20,000 चली हुई है, ये भी 20,000 20,000 कंपनी मेंटेन गाड़ी है। अच्छा, ये 20 की गाड़ी है, लाइफ 2016 की गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स है ये, 26 भी नहीं है, नहीं नहीं लाइफ टाइम टैक्स है, लाइफ टाइम टैक्स है। 20,000 चली है स्टेपनी अनयूज्ड, 20,000 चली है स्टेपनी अनयूज्ड। इसका आस्किंग प्राइस रखे हैं हम लोग 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रखे हैं प्राइस। पेट्रोल में भी इसका बहुत बेहतरीन माइलेज है, ये 20 से 22 माइलेज देता है। टायर का कंडीशन देखिए, आप गाड़ी को देख रहे हैं, सब एसेसरीज लगा हुआ है, क्रोमिंग पूरी मतलब हर चीज़ डोर से लेकर मिरर सब में लगी हुई है, क्रोम किया हुआ। और ये रिनॉल्ट की क्विड RXT वर्जन है, RXT है, टॉप मॉडल है, टच स्क्रीन लगा हुआ है, RXL आता है जी, RXL, RXT और अभी क्लाइंबर चल रहा है, क्लाइंबर चल रहा है। राइट, तो इसकी प्राइस क्या बताया आपने? इसकी प्राइस 2,60,000 रुपये, 2,60,000 क्या मैं 260 गाड़ी 26 लाइफ टाइम टैक्स भाई, 2,60,000 में। अब इसके बाद आ जाते हैं स्विफ्ट डिजायर की तरफ, ये 2021 की गाड़ी है, ये 21 की गाड़ी है, क्या बात, 2021 की गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, ये VXI है। अच्छा, हाँ, ये BS6 गाड़ी है, BS6 है ना, BS6 ये भी चली हुई है 3,000, ओनली 3,000, ये भी 3,000, 500 क्रॉस नहीं किया, नहीं 500 क्रॉस नहीं किया हुआ है, जबकि सीट कवर में प्लास्टिक लगा हुआ है, स्टेपनी अनयूज। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 6,60,000 रुपये, 6,60,000। और डीलर देखिए, कोई 7 लाख मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहे हैं, हम लोग 6,60,000 रुपये इसका, 6,60,000 में आप दे दोगे। 21 की गाड़ी है। हाँ। और गाड़ी 3,000 चली हुई, गाड़ी कुछ देखना है ही नहीं, देखना है ही नहीं भाई, क्या बात है। तो हम आ गए अब स्विफ्ट डिजायर के पास, इओन के तरफ, ये हुंडई की इओन है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स वर्जन है आपका, स्पोर्ट्स वर्जन है, स्पोर्ट्स वर्जन है इसका, 2018 की गाड़ी है ये। अच्छा, आपका 23 तक टैक्स मिलेगा, 23 तक टैक्स भी मिलेगा, स्पोर्ट्स टॉप वेरिएंट है ये, मतलब हुंडई इओन में। और ये ड्रिवेन है गाड़ी, 33,000 चली गई, ओनली 33 जी, इसकी भी ये स्टेपनी अनयूज्ड है अभी। और इसका आस्किंग प्राइस रखे हैं हम 2,75,000 रुपये, 2,75,000 क्या है, 18 की गाड़ी, 23 तक टैक्स, टॉप वेरिएंट, स्पोर्ट वर्जन, क्या है, 18 की गाड़ी है भाई, 275 जी। अब आते हैं हम एक वैगनार की तरफ में, तो ये वैगनार है कब की? ये 2013 की गाड़ी है, 13 की गाड़ी है, और देख रहे हैं कलर, कलर भाई काफी प्यारा कलर है, एकदम मिंट कंडीशन में गाड़ी है, फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक है, क्या बात, ब्लू आई है। हाँ, 2013 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स मिलेगा। अच्छा, और वैगनार VXI है। हाँ,
और ये बंगाल की डिमांडेड गाड़ी है, बंगाल की डिमांडेड है, वैगन आर के चाहिदा बहुत चाहिदा है, बंगाली पर्सन काफी ज्यादा बहुत, और कलर भी उनको ये कलर बहुत पसंद है, बहुत पसंद भी है। राइट, ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 245,000 जी। 2013 की गाड़ी, 23 तक टैक्स, फर्स्ट ओनर है, सभी फर्स्ट ओनर, जितने गाड़ी हमने देखा, जितने कार देखा है, क्या बात, 245 जी। अच्छा, अब हम आ गए अगली कार की तरफ जो कि थोड़ी सी बड़ी है, 7 सीटर है क्या ये? 7 सीटर है। वाह, ये है क्या? ये महिंद्रा का TUV है, TUV 300 है। अच्छा, ये T4 वर्जन है आपका, T4 है, डुअल टोन में, क्या डुअल टोन कराया, कराया हुआ है कस्टमर ने, डुअल टोन है नहीं, आप चाहो तो हटा सकते हो, हटा सकते हैं। राइट, ये गाड़ी हम लोग 16 की गाड़ी है, 16 टैक्स फेल है, टैक्स भर के देंगे, 26 तक करके देंगे। हाँ, इसका अब आते i20 एक्टिव है क्या जी, तो इसके बारे में जानते हैं। ये 2018 की गाड़ी है, 18 की गाड़ी है, i20 एक्टिव वर्सन है ये। अच्छा, ये 2018 की गाड़ी, 23 तक टैक्स है इसका, 23 तक टैक्स है। ये गाड़ी ड्रिवन है आपका 23,000 ओनली, 23 जी, क्या, और स्टेपनी अनयूज्ड है इसका, ये भी स्टेपनी अनयूज्ड है, ये भी अपना SX नहीं, SX है। हाँ, उसे स्टार्ट लिए, चाबी स्टार्ट, चाबी स्टार्ट। अच्छा, दो एयर बैग मिलेंगे, पावर ऑपरेटेड आपका लुकिंग ग्लास सब कुछ है, एक्सेप्ट बैक वाइपर। अच्छा, इसका आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 5,10,000 रुपये, 5,10,000 क्या, 23 तक टैक्स, 5,10,000। अब आगे चलते कुछ और गाड़ी देखते हैं, आइए। अब यहाँ पे हम हुंडई और होंडा की ब्रांड थोड़ी दिखाएंगे, तो हुंडई कौन सी है, ग्रैंड आई10? ये हुंडई की ग्रैंड आई10 है, ग्रैंड आई10 है, एरा मॉडल है। अच्छा, किंतु लेकिन कस्टमर ने इसमें पावर विंडो, टच स्क्रीन, बैक कैमरा सब लगा रखा हुआ है इस पे। ये गाड़ी 14 की गाड़ी है, 24 तक टैक्स है, 24 तक टैक्स भी है। ये गाड़ी सेकंड ओनर है। राइट, और गाड़ी चलिए 48,000 ड्रिवन है, 48,000 ड्रिवन है, फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। अच्छा, इसका आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 2,75,000, 2,75,000, 275। 14 की गाड़ी, 24 तक टैक्स, 13 वर्जन, लेकिन कस्टमर ने सब कुछ लगा के रखा है। वाह, ये बड़ी चीज़ है। तो ये आपको 275 में 14 की ग्रैंड आई10 एरा है, बट मेगना वाली फील पहले से कस्टमर ने करा दिया, और विंडो लगा हुआ है, टच स्क्रीन लगा हुआ, बैक कैमरा लगा, सब कुछ लगा हुआ। अच्छा, 2016 की गाड़ी है, टॉप वेरियंट है ये। ओके, ये पेट्रोल वर्जन है आपका। वाह, इसका भाई कार जो होता है ना भाई, काफ़ी मस्त लगती है इसका, जो होंडा की गाड़ी का जवाब ही नहीं है, इसका इंजन और टोयोटा का तो परमानेंट है। और हुंडई की भी है, हुंडई की थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आ भी जाती है, तो होंडा और टोयोटा की गाड़ी में मेंटेनेंस कम, मेंटेनेंस कम है। ये प्राइस पे आते हैं, सब कुछ मिल जाता है, एयर देखते हैं सब। इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 4,20,000 रुपये, 420 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, 4,15,000 में ये जैज मिल जाने वाली है। अच्छा, अब आते हैं हम i10 में आते हैं, ओल्ड शेप जी, ओल्ड शेप है, i10 है ये। हाँ, ये आपकी 2009 की गाड़ी है, 9 की गाड़ी है जी, क्या बात है। ये 24 आपको टैक्स मिलेगा, 24 तक टैक्स भी मिलेगा, बहुत अच्छा गाड़ी है, स्पोर्ट्स वर्जन है, बैक वाइपर है इसमें, सब कुछ है जी, और ये ओरिजिनल पेंट, एकदम प्योर मिंट कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो है ओरिजिनल पेंट की गाड़ी। ये भी आपकी 52,000 ड्रिवन है गाड़ी। हाँ हाँ, इसका आस्किंग प्राइस रखे हैं 1,60,000 जी, 1,60,000 में जी। मेगना है, स्पोर्ट्स है। अच्छा, 9 की गाड़ी, 24 तक टैक्स आपको, ओके 160। अच्छा, अब आते हैं एक डैटसन की गो के तरफ, ये डैटसन की गो। हाँ, ये 2017 की गाड़ी है, आप 17 की गाड़ी, 22 तक टैक्स मिलेगा। अच्छा, ये 11,600 किलोमीटर चली हुई है, 11,600 जी, स्टेपनी अनयूज्ड है। अच्छा, इसका आस्किंग प्राइस रखे हम लोग 2,00,000 रुपये, 2,00,000 जी, 199 चलिए, 199 195 में देते हैं राजी, 195 जी, 195 में 2017 की गाड़ी 11,700 चली हुई, 11,700 चली, 11,700 सुपर मिंट कंडीशन में। वाह, स्टेपनी अनयूज, क्या बात है, बहुत से। अब आगे बढ़ते तो शैलेश जी, ये तो एकदम गजब की लग रही है, लेटेस्ट आपका VXI+ है, VXI+ है। ये कब की है? ये 2020 की, ये 2020 की है, वो 2019 की थी, VXI थी, ये VXI+ है। मतलब ये तो फिर जोड़ी के पास लगाना चाहिए था भाई, 19-20 का वेगनार, फिर 19-20 का एक्सप्रेसो, गलत हो गया, ये पहले लगाना चाहिए था। लगाना चाहिए, राइट।
चलिए फिर कोई नहीं, प्राइस पे आते हैं। ये गाड़ी आपका 20 का है, रेट साइड प्लस है। हाँ, इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 385,000। 385 जी, क्या बात, 385। स्टेपनी अनयूज्ड कम ड्रिवन है गाड़ी, 11,000 चली है। 11,000 चली है, क्या बात, सुपर मिंट कंडीशन में, सुपर मिंट कंडीशन में भाई, ये बहुत सही लग रही है। अब आगे बढ़ते, अब आगे बीट की तरफ। बीट कब की है ये? सेवलोट कंपनी की बीट है। हाँ, ये LTZ टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है। हाँ, और बीट में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एयरबैग नहीं, दो एयरबैग है। अरे बाप, दो एयरबैग्स भी है। ये 2011 की गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स विद एयरबैग, टू एयरबैग। बहुत अच्छी गाड़ी है और अलॉय व्हील भी लगा हुआ है इस गाड़ी में। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 115,000 रुपया। 115,000 में 1,15,000 बन ली, लाइफ टाइम टैक्स है। 2011 की गाड़ी, लाइफ टाइम टैक्स विद एयरबैग विद अलॉय व्हील्स, विद अलॉय व्हील्स, क्या बात है। 115 में तो इसका बहुत अच्छा माइलेज है, माइलेज भी 20-22 का माइलेज तो आप जानते ही हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब आगे और कौन सी है डीजल गाड़ी? अब एक पल्स है रेनॉल्ट की। ये रेनॉल्ट की पल्स है। हाँ, 2012 की गाड़ी है ये, 12 की गाड़ी है। लाइफ टाइम टैक्स है ये भी, ये भी लाइफ टाइम टैक्स है, ये भी लाइफ टाइम टैक्स है। लास्ट वीडियो में मैं ये शो किया था। अच्छा, ये डीजल वर्सन है। हाँ, ये पुश स्टार्ट है गाड़ी, पुश स्टार्ट है। हाँ, इसका भी माइलेज बहुत अच्छा है। 22 का इसका भी डीजल में माइलेज है। अच्छा, इस गाड़ी को मैं 1.5 लाख में दूंगा। 1.5 लाख में? 1,50,000 वाली। क्या 150 में ऑनली गाड़ी, लाइफ टाइम टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स डीजल वर्सन। बहुत सही। तो और अब यहाँ पे एक वैगनार भी है, ये कब की है? ये मारुति की वैगनर VXI वर्सन है। अच्छा, 2008 की गाड़ी है, 8 की गाड़ी है। ये कस्टमर का डिमांड था कि थोड़ा लो रेंज, लो रेंज की गाड़ी हम सीखेंगे, लेकिन लो रेंज की लग नहीं रही, आप मेंटेन करके रखे हो। गाड़ी बहुत ही अच्छा है, ये भी मेंटेन गाड़ी है, VXI वर्सन है ये। जी, ये 8 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स मिलेगा आपको। अच्छा, और ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 1,15,000 रुपया। 1,15,000, 1,15,000 रुपये में 8 की गाड़ी, 23 तक टैक्स, VXI वर्सन है ये गाड़ी। और दो गाड़ी था ना आपके पास? और अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं शो करूंगा। हाँ, डिजायर दो गाड़ी है मेरे पास जी, एक VDI है और एक VXI है, दोनों एक 17 की गाड़ी है, एक 18 की गाड़ी, न्यू शेप, न्यू शेप। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये करूंगा। उस गाड़ी का भी मैं बता रहा हूं कि 2017 की जो डिजायर VDI है, वो पर्ल व्हाइट कलर में, पर्ल व्हाइट, वो डीजल वर्जन, अभी तो डीजल गाड़ी मिल नहीं रही है न्यू शेप में। उसका आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 4,90,000, 4,90,000 में मैं वो गाड़ी दे दूंगा। वाह, बहुत सही। और जो 18 की डिजायर VXI आने वाली है, वो मैं आपको 5 लाख में दूंगा। 5 लाख में? क्या बात है, बहुत सही। तो आज का कलेक्शन तो भाई काफ़ी मस्त लगा। एक बार उस साइड में एक बार कैमरा देखो तो भाई, लाइन से क्या गजब की लग रही है भाई, शोकेस जी। अब शोकेस उस साइड में भी लगी हुई है, तो भाई पूरी भरी हुई है यहाँ पे कार ही कार। तो चलिए फिर आज की वीडियो को समाप्त किया जाए क्या? सभी व्यूअर से मेरा नमस्कार बोल रहा हूँ, और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज में आके हमसे जुड़ित रहने के लिए फॉलोअप करिए। हमारा जो भी स्टॉक रहेगा अपडेट होते रहेगा। क्या बात है, बिल्कुल। और लोन वगैरह कुछ बारे में? लोन का फैसिलिटी सभी, मेरी गाड़ी तो हाई वर्जन, हाई मॉडल होगी, तो सबका लोन तो हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है जी। 2012 की बाद से जो भी गाड़ी है सबका लोन हो जाएगा जी। और लोन के लिए आपको 30% डाउन पेमेंट है, बाकी नॉर्मल प्रोसेस है, हम 1 से 2 दिन में लोन करा के दे देंगे। 1 से 2 दिन जी, विद इन मतलब लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जो भी बंगाल में, थोड़ा आउटर में जो है उनका नहीं हो पा रहा है अभी कोविड के वजह से। हाँ, बंगाल में मैक्सिमम जगह का हम लोग लोन करा देंगे, करवा देंगे जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत मिनिमम है हम लोग का, 8% में हम लोग करा रहे हैं, 8% में करा रहे हैं, बहुत सही। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।